कह चुका हूं, आज भी कहूंगा कि इस भूमि पर अंतर प्रवेश करने के बाद जो एक कंपन का अनुभव मैं करता हूं, महसूस करता हूं, यही कंपन वहां वॉर्डन के आश्रम में भी होता है जब जाते हैं। अपने आप से मैं पूछता हूं कि क्या हम ऐसा करते हैं? हम सब मिलकर करते हैं, कोई एक व्यक्ति करता है ऐसा नहीं। क्या हम ऐसा करते हैं जो हमको पता नहीं है लेकिन हम कर रहे हैं? उस बात को हमको जानना है, समझना है, और वही कंपन को हमें अपने साथ लेकर अन्य स्थानों में जाना है। वो कंपन, वो बात सिर्फ इस आश्रम तक, इन चार दीवारों के अंतर्गत सीमित रहे ऐसा नहीं, परंतु उस बात को हमें आगे बढ़ाना है। स्वाध्यायन महाप्रमदा लिखी गई है, इसमें बताया है कि स्वाध्याय में आलस्य नहीं होना चाहिए। तो
शायद ऋषि मुनियों ने उत्सव और पर्व इसीलिए निर्माण किए हैं कि समय समय पर वे हमें याद दिलाते रहें कि कोई आलस हमें ना आए, और उन पर्वों पे जो सीख हमको मिलती है वो बार बार याद आती रहे। तो इस प्रकार हमें ये उत्सव और पर्व मनाने को मिलते हैं। यहाँ जुलाई अगस्त में शांति मंदिर वॉल्डन में श्रद्धा इस विषय पर 17वां अध्याय से सत्संग चला। वैसे चलना एक महीना था, परंतु विषय ऐसा था तो मैंने कहा इसको हम 2 महीना चलाए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि श्रद्धा हो तो किस तरह से और किन किन बातों से श्रद्धा बनती। तो मुंबई में मैंने कहा कि अधिकांश लोग सब सोचते हैं कि मेरे पास श्रद्धा है, किसी से भी आप पूछो, परंतु श्रद्धा क्या है ये हमें समझना पड़ेगा, अपने आप से पूछना पड़ेगा कि वास्तव में है। श्रद्धा में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होता। अगर आप कहते हो कि आपके अंतर में श्रद्धा है, उस श्रद्धा में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होता कि गुरु ने ऐसा क्यों। विचार विमर्श आप कर सकते हैं, समझने के लिए मनन कर सकते हैं, परंतु जब एकलव्य को द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा, एकलव्य विवाद तो कर सकता था, जब कबीर साहब ने कमल से कहा कि पायस में नमक डालो, कमल ने तो कुछ पूछा नहीं, पायस में नमक डाल कर लिया। श्रद्धा इसको कहते हैं। फिर एक हमारे साथ ही बड़ा हुआ छोकरा, अभी मुझसे 3 साल छोटा है, आया, बोले आज बहुत अच्छी बात आपने सुनाई। बोले मैं भी मानता था कि श्रद्धा है मुझ में, परंतु कभी कभी किंतु ये प्रश्न हो जाता था। लेकिन ये बोले जो आपने फाइन लाइन बता दिया, स्पष्ट कर दिया, तो अभी मैं कोशिश करूंगा कि ये किंतु नहीं हो, विश्वास है, मानता हूं, परंतु बगैर प्रश्न का।